तैयारी कर रहे हैं। बोले इंद्र के लोक में बड़ी अच्छी अच्छी अप्सराएं हैं, अमृत रखा हुआ है, कल्प वृक्ष है, पारिजात वृक्ष है। बोले वो सब हमारा हुआ। आज कामना लेकर के अपने एक और सेवक को भेजा है महिषासुर ने, कहने लगा कि जाओ अब तुम उनको जाकर संदेशा दो कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो युद्ध की तैयारी कर लो, हम आ रहे हैं। इंद्र ने कुपित होकर कहा कि जाओ अपने राजा से कहना, गुप्त सर से कहा कि जाओ जाकर कहना, बार बार कहते क्यों, आते क्यों नहीं? कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, बार बार कह रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम चले आओ। अब जब ये सेना लेकर चल दिया, अपने सेवक से कहा सेना तैयार करो और आगे बढ़ो, तो बृहस्पति जी को इंद्र ने बताया कि गुरुदेव वह दुष्ट अपनी सेना लेकर आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? तो बोले इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ये दैत्य तो अपनी सेना लेकर आने लगा, हमने तो कोई तैयारी नहीं की। बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो ठीक है, तुम्हारी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन युद्ध क्षेत्र से हारकर पीठ दिखाकर भागना भी ठीक नहीं। जीत हार तो देव योग से मिलती है, ईश्वर की इच्छा है हमें जो मिले, लेकिन हमें कर्म तो करना चाहिए ना। बृहस्पति जी कहने लगे, विषम परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, हार या जीत तो भगवान के हाथ में है, आप भी युद्ध की तैयारी करो, बुद्धिमानी से काम लो और बोले उद्यम करो, फल भगवान देगा। इंद्र ने कहा ठीक है। बोले सदैव उद्योग करते रहना चाहिए, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। इंद्र ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि जाओ तुम भी युद्ध की तैयारी करो, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करो और सेना को कहो, आदेश दो, सबको एकत्रित कर लो। आज बोले सहस्त्र नेत्र इंद्र को भय है कि कहीं हम पराजित ना हो जाएं, सेना हमारी कमजोर ना पड़ जाए। सहस्त्र नेत्र कहते हैं इंद्र को, जिनके 1000 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? 1000। तो बोले इंद्र ने सेना को तैयार करने का आदेश दिया। उसी समय सभी देवता तरह तरह के वाहनों में चढ़ करके चल दिए और वहां पर कहा मंत्र पाठ शुरू करा दो, यहां पर सब भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए तैयारियां करने लगे। और यहां महिषासुर ब्राह्मणों से कह रहा है हमारी विजय के लिए यज्ञ करो, हमने सुना है अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से कि बिना यज्ञ के हमारी जीत नहीं होगी, तो तुम यज्ञ की तैयारी करो। और बोले मैं भी सेना तैयार कर लिया हूं। इधर इंद्र ने कह दिया हमारी जीत के लिए यज्ञ करो, वहां भी यज्ञ चल रहा है, अब देवता बंदी बन रहे हैं दोनों तरफ। अच्छा यज्ञ के देवता कौन है? इंद्र आदि, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, शनि, यही तो आते हैं और त्रिदेव आते हैं। लेकिन वही परेशान, वही बोले यज्ञ कर रहे हैं और वही सेना की तैयारी कर रहे हैं। माता जगत जननी को बार बार याद करते हुए सभी देवता तैयारी कर रहे हैं। बृहस्पति जी कहने लगे इस समय मैं देख रहा हूं कि राक्षस सेना ज्यादा ताकतवर है, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आदेश नहीं दूंगा। इंद्र कहने लगे कि गुरुदेव ये क्या हुआ, आप अभी कह रहे थे कि तैयारी करो और इस समय मैं बोले आपको युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करूंगा, अब ये कौन सी बात बोल रहे हैं आप? बोले ना मैं युद्ध को रोकूंगा और ना तुमसे ये कहूंगा युद्ध करो। बोले मैंने विषम परिस्थिति देख ली इंद्र, तुम्हें अपने बारे में और सभी देवताओं के बारे में सोचना चाहिए। जब आतताई शक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य या व्यक्ति आक्रमण करे तो सज्जन को चाहिए कि वो पीछे हट जाए। मान लीजिए आप दयालु हैं, सामने वाला दयालु नहीं है, वो बगल में कट्टा दबा कर आए और आपको मार दे, आप क्या कर लोगे? आप पर प्रहार कर दे, आप दया धर्म देखते रह जाएं।